जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा कि ट्रेन में एक साथ हज़ारों लोग सफ़र करते हैं और उन हज़ारों लोगों का उम्मीद जो है वो ड्राइवर होता है। ड्राइवर पे ही सारी उन लोगों की जान की जिम्मेवारी होती है कि उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाना, सेफ पहुंचाना, ये सभी जो जिम्मेवारी होती है वो ड्राइवर के ऊपर ही होती है। इसलिए ट्रेन के अंदर जो रेलवे है वो दो ड्राइवरों को रखता है। किसी कारण से अगर एक ड्राइवर को कुछ हो जाता है या सो जाता है तो दूसरा ड्राइवर जो होता है उनके कार्यों को संभालता है, कार्यभार को संभालता है और सफ़र करने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुँचाता है। एक ड्राइवर जो होता है वो एक मेन ड्राइवर होता है और दूसरा ड्राइवर जो होता है उसे असिस्टेंट ड्राइवर कहते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से दोनों ड्राइवर सो जाते हैं या कोई आदमी गलत इरादा से उन दोनों व्यक्तियों को चीज खिला देता है जो बेहोश हो जाते हैं, अपने होश खो बैठते हैं, ऐसा कुछ भी ऐसा जिस वजह से वो दोनों ड्राइवर अपने कार्य को करने में असफल रहते हैं, कर नहीं पाते हैं, मान लीजिए कि सो ही जाते हैं सिंपल सा, तो क्या होगा? क्या ट्रेन अपने पटरी से उलट जाएगी, पटरी से पलट जाएगी, अपने जो रूट है उसको चेंज कर देगी, क्या होगा? बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो ऐसे इससे बचने के लिए रेलवे क्या किया है, क्या कोई रेलवे इससे बचने के लिए कोई उपाय रखा है कि नहीं रखा है या भगवान भरोसे है, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या अगर कोई दोनों ड्राइवर सो जाते हैं तो क्या हो सकता है। दोस्तों अगर किसी कारण से दोनों ड्राइवर यानी असिस्टेंट ड्राइवर और मेन ड्राइवर दोनों सो जाते हैं तो क्या हो सकता है? इस कंडीशन में घटना से बचने के लिए रेलवे ने ट्रेन के इंजन में एक डिवाइस लगा रखा है जिसका नाम है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। और ये विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस जो है ये हमेशा ध्यान रखता है कि ड्राइवर कोई प्रतिक्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी एक मिनट के अंदर ड्राइवर कोई प्रतिक्रिया किया है कि नहीं, इस पर ध्यान रखता है ये डिवाइस। यानी एक मिनट में स्पीड कम हुआ है या बेस हुआ है, हॉर्न का यूज़ किया गया है कि नहीं, स्पीड को बढ़ाया गया है कि नहीं, स्पीड को कम किया गया है कि नहीं, यानी किसी भी तरह का अगर प्रतिक्रिया ड्राइवर के द्वारा एक मिनट के अंदर नहीं किया जा रहता है तो इस डिवाइस पर एक विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस पर एक ऑडियो विजुअल इंडिकेशन आता है और इस ऑडियो विजुअल इंडिकेशन का जवाब ड्राइवर को इस विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस के बटन को दबाकर देना रहता है। अगर ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता है, बेहोश रहेगा तो जवाब नहीं देगा, सोया रहेगा तो जवाब नहीं देगा, तो अगर जवाब नहीं देता है डिवाइस के बटन को दबाकर, उसके बाद ऑटोमेटिक 15 से 17 सेकेंड के बाद ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाता है और आगे कुछ दूरी तक जाकर ट्रेन थम जाता है यानी ट्रेन रुक जाता है। इससे बहुत बड़ी हादसा होने से बच जाती है। ट्रेन का कुछ भी हो सकता है, स्पीड में ट्रेन रहती है 150 किलोमीटर स्पीड पर आवर, 120, 80, 90 इस तरह की स्पीड में ट्रेनें चलती हैं, तो कुछ भी हो सकता है, एक मिनट के अंदर कुछ भी हो सकता है, पलट सकता है ट्रेन या रूट चेंज कर सकता है, ऐसा हो सकता है कि सामने से कोई दूसरा ट्रेन आ रहा हो, ये उसी रूट पे चला जाए, रूट नहीं चेंज कर पाए, तो इस तरह की बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसी सभी से बचने के लिए रेलवे ने इंजन में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगाया है ताकि प्रतिक्रियाओं का पता लग जाए कि हाँ अगर ड्राइवर काम कर रहा है, सेफ है, जगा हुआ है, अपने कामों को फोकस किया है तो कुछ ना कुछ एक मिनट के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करेगा, और प्रतिक्रिया करेगा यानी ड्राइवर जगा हुआ है, अपने काम कर रहा है, वही प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो उसे कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, उसे एक विजुअल ऑडियो आएगी, उसका जवाब देगा जिसके माध्यम से उसे पता लग जाएगा कि हाँ ड्राइवर सेफ है, नहीं आएगा तो उसे पता लग जाएगा कि हाँ ड्राइवर को कुछ परेशानियां है, कोई ना कोई दिक्कत है, या सो गया है या बेहोश है, जिसके बाद ट्रेन में ब्रेक लगना स्टार्ट होगा और सभी लोग सुरक्षित बच सके हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, कोई भी हादसा नहीं होगी। इस तरह दोस्तों इसी कारण से
ट्रेन के ड्राइवर जो होते हैं, पटरी पर कोई नहीं रहता है तभी वो हॉर्न बजाते रहते हैं, स्पीड को कम करते हैं, कभी स्पीड को बढ़ाते हैं। इस तरह दोस्तों जो ट्रेन के ड्राइवर का जो वर्क है ना, वो बहुत ही सक्रिय वर्क है, हमेशा एक्टिव रहने वाला वर्क है। इस तरह दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि अगर दोनों ड्राइवर सो जाए तो क्या हो सकता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।